लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र टापा खुर्द की ये घटना है। बता दें, एक निर्माणधीन मकान की सरिया 11,000 की लाइन से छूने पर व्यक्ति की हुई मौत। फिलहाल चिकित्सक ने किया मृत घोषित। आपको बता दें, क्षेत्रीय नागरिक शिव कुमार राठौर का कहना है कि विद्युत अधिकारियों की लापरवाही है। कहा कि मकान के ऊपर से ही जा रही है 11,000 की लाइन और पूर्व में भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। थाना पुलिस संघ SDM कुमार चंद्र ज्वालिया ने किया घटना स्थल का मौका मुआयना। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र टापा खुर्द में एक निर्माणधीन मकान में मकान बनाने को लेकर जा रहे सरिया ले जाने के दौरान 11,000 की लाइन से छूने पर उसमें करंट प्रवाहित होने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें, शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। बताते चले कि थाना उत्तर क्षेत्र कोटला रोड किशन नगर निवासी 25 वर्षीय विजय कुमार झा पुत्र संतोष कुमार का टापा खुर्द पर प्लॉट बना है। उस पर काम चल रहा था और जहां सरिया ऊपर ले जाने के दौरान सरिया 11,000 की लाइन से छू गई, जिससे करंट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। यह जानकारी मृतक के पिता संतोष कुमार ने दी है। वहीं बता दें, क्षेत्रीय नागरिक शिव कुमार राठौर ने बताया कि थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत टापा खुर्द गांव है, जो नगर निगम में आ गया है। यहां विद्युतीकरण न होने के कारण मकानों के ऊपर से 11,000 की लाइन जा रही है। यहां आए दिन घटनाएं हो रही हैं। इससे पूर्व भी 11,000 की लाइन से एक छात्रा की मौत हो गई थी। दो दिन मकानों में इससे आग लगी थी, लेकिन विद्युत अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण यह समस्या सुलझ नहीं पा रही है। उनका अधिकारियों से कहना है कि ये जो 11,000 की लाइन को मकानों के ऊपर से हटाया जाए और यहां विद्युतीकरण कराया जाए। वहीं थाना पुलिस संघ SDM कुमार चंद्र ज्वालिया ने किया घटनास्थल का मौका मुआयना। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संतोष जी, ये कौन है जो मृत्यु हुए हैं? कौन है आपके? हमारा लड़का है। कैसे घटना कैसे हुई थी? प्लॉट में काम चल रहा था, तो उसमें RC का कंदोना बन रहा था सरिया का। प्लॉट कहाँ बना हुआ है? प्लॉट टापा खुर्द से चौराहे से थोड़ा अंदर है। फिर क्या हुआ था? फिर उसमें सरिया लेके जा रहे थे, तो 11,000 वाली लाइन से सरिया छुई नहीं है, तब तक तो करंट आ गया। उसमें कहीं लेके गए थे इनको? ट्रामा सेंटर में लेके गए, प्राइवेट में। वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया, घर ले जाओ। नाम क्या है इनका? विजय कुमार झा। उम्र क्या है? 25 साल। शादी हो चुकी है? हाँ, शादी हो चुकी है। शादी हुए 3-3 साल हुए। एक लड़का है 5 महीने का। पुलिस आई है मौके पे? हाँ, पुलिस आई है। जी, क्या नाम है आपका? शिव कुमार राठौर नाम है मेरा। शिव कुमार जी, किस तरह से घटना हुई है और आपके कारण क्या रहा घटना का? ये थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला टापा खुर्द गाँव है, ये नगर निगम में आ गया है, लेकिन यहाँ का विद्युतीकरण न होने की वजह से यहाँ आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आज एक व्यक्ति की मौत हो गई। 11,000 की लाइन हमारे मकानों के ऊपर से होके जा रही है। ये कई बार इससे भी पूर्व एक छात्रा की मौत हो गई थी 11,000 की लाइन से। 2-3 मकानों में आग लगी थी, उस समय भी घटना हुई थी, लेकिन विद्युत अधिकारियों की अक्रमणता के कारण ये समस्या सुलझ नहीं पा रही है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। मेरा अधिकारियों से कहना है कि ये 11,000 की जो विद्युत लाइन है, इसको हटाया जाए और यहाँ की विद्युत की व्यवस्था, लट्ठे और बिजली के लट्ठे और तार लगा के विद्युतीकरण कराया जाए। मैं देश दीपक यादव, नेता प्रतिपक्ष पार्षद नगर निगम फिरोजाबाद, जनपद के समस्त नागरिकों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं और पटाखे कम चलाएं, जिससे कि वायुमंडल में प्रदूषण न हो। मेरी तरफ से पूरे फिरोजाबाद जनपद वासियों को मैं धनतेरस की, दिवाली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सबका त्यौहार बहुत अच्छा बने, मंगलमय हो। और मैं ये भी एक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो महामारी चल रही है वो अभी बरकरार है, उसका भी पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस त्यौहार को मनाएँ, जिससे हमारा पूरा परिवार, हमारे दोस्त मित्र सब स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। थैंक यू। सभी जनपदवासियों को दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस दीपावली सभी लोग अपनी खरीदारी सिर्फ फिरोजाबाद के ही दुकानदारों से करें। आपकी तरफ आशा की निगाहों से वो देखते हैं। कृपया बाहर के बड़े शहरों से खरीदारी ना करके यही फिरोजाबाद को समृद्ध बनाएं और इस दीपावली पर संकल्प लें कि जिनके घर पर दीप ना जल सके, जो वाकई बहुत गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं,
और दीपावली का मतलब भी नहीं जानते, उनके घर जाके दीप जलाएं, लक्ष्मी गणेश दें और उनके घर पूजन करके तब अपने घर पूजन करें। ये मानव सेवा और सच्ची सेवा होगी।